जानवर ही इस दुनिया में ऐसे जानदार हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए सामने आने वाली किसी भी चीज को अपने अंदर निगल जाते हैं, फिर चाहे वो चीज लिविंग थिंग्स में आती हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानवरों के पेट से मिलने वाली कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो यकीनन आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 6 मार्च 2017 को थाईलैंड के सूबे चंबूरी में एक पब्लिक पाउंड में रहने वाली फीमेल सी टर्टल, जिसका नाम बैंक था, इसके पेट में से 915 सिक्के मिलने की खबर इंटरनेट पर सामने आई। असल में बैंक पिछले 20 सालों से जिस तालाब में रहती थी, वहां हर रोज कोई ना कोई टूरिस्ट अपनी अच्छी किस्मत की मन्नत मांग कर एक सिक्का उस तालाब में फेंक देता था। बैंक इस सिक्के को खाना समझकर अपने अंदर निगल जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि बैंक के पेट में से सिक्के इतने ज्यादा जमा हो गए कि खाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। उस दिन के बाद बैंक बीमार से बीमार होती गई, यहाँ तक कि अब वो ठीक से तैर भी नहीं पाती थी और उसे ब्लड प्वाइजनिंग भी होती थी। बैंक की यह हालत देखकर डॉक्टर्स ने सोचा कि शायद उसने कुछ ऐसा वैसा खा लिया है जिसकी वजह से उसे ब्लड प्वाइजनिंग हो रही है, और फिर डॉक्टर्स ने उसे ऑपरेट करने का फैसला किया। दोस्तों, जब बैंक का ऑपरेट किया गया तो उसके पेट में से 915 सिक्के मिले, जिनका वजन तकरीबन 9 पाउंड यानी तकरीबन 5 किलोग्राम तक था। इस ऑपरेशन के बाद बैंक की जिंदगी पहले की निस्बत तो सुकून में आ गई थी, लेकिन उसकी आंतड़ियों में इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो चुका था कि ऑपरेट से एक महीने बाद ही बैंक की मौत हो गई। अमूमन एक समुद्री कछुआ 80 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन इंसानों की गलती ने बेचारी बैंक की जान ले ली। मई 2017 को न्यूयॉर्क में से एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई, जो कि कुछ ही दिनों में खूब वायरल हो गई। इस वीडियो में एक काले सांप को अपने मुंह से एक दूसरा सांप निकालते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये सांप जिंदा था। बेसिकली न्यूयॉर्क शहर में रहने वाला एक जोड़ा मॉर्निंग वॉक कर रहा था कि अचानक उनकी नजर ट्रैक से कुछ ही दूर पौधों के बीच इस काले सांप पर पड़ी। इनका ख्याल था कि शायद ये सांप किसी चीज को अपने अंदर निगल रहा है, इसीलिए इन्होंने इस सीन को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद जो हुआ वो सब देखकर ये जोड़ा पूरी तरह से दंग रह गया। जब इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया गया तो थोड़े से वक्त में इस वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी और खूब वायरल हुई। इस मंजर को देखकर आज भी लोग हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते। दोस्तों, अब जिस वाक्य के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो अगस्त 2016 को स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पेश आया। ग्लासगो में रहने वाली आयरीन पेजली नाम की खातून का पालतू कुत्ता एक दिन अचानक बीमार पड़ गया। वो मुसलसल वॉमिटिंग कर रहा था और इसी के साथ उसके नाक में से खून भी बह रहा था। आयरीन जब अपने कुत्ते को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने उसका एक्सरे किया, जिसके बाद पता चला कि इस मासूम से कुत्ते ने 8 इंच लंबी छुरी को अपने अंदर निगल लिया है, जिसे देखकर डॉक्टर्स भी दंग रह गए। लेकिन डॉक्टर्स ने 3 घंटों की इमरजेंसी सर्जरी के बाद मुंह के जरिए इस कुत्ते के पेट में मौजूद छुरी को बाहर निकाल लिया और खुशकिस्मती से इसकी जान बचा ली। दोस्तों, आयरीन के इस नन्हे से मासूम कुत्ते का नाम मैसी था। क्या आपने भी अपने घर में कोई कुत्ता पाल रखा है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में हमें उसका नाम जरूर बताएं। नवंबर 2018 को इंडोनेशिया में मौजूद कपोता आइलैंड के किनारे पर 31 फीट लंबी एक स्पर्म वेल की लाश मिली। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरानगी की क्या बात है। तो दोस्तों, रिसर्चर्स ने जब इस वेल की डेड बॉडी पर तहकीक की तो उन्हें इसके पेट में से 13 पाउंड वेस्ट प्लास्टिक मिला, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह शामिल थी, जो कि बीच पर आने वाले लोग पीने के बाद समंदर में फेंक देते थे। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वेल के पेट में मौजूद 13 पाउंड प्लास्टिक की वजह से वो काफी दिन से कुछ खा नहीं पाई और इसी प्लास्टिक की वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन भी हो गया था, जो कि उसकी मौत का बायस बन गया। दोस्तों, अफसोस है कि हम इंसानों का फैलाया हुआ वेस्ट बाज़ुकात इन जानवरों की जान ले लेता है। हमें हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि बेशक सफाई निस्फ ईमान है। जनवरी 2020 में यानी इसी साल के शुरू में इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर परवीन कासवान ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें एक ब्राउन कोबरा स्नेक अपने अंदर से कोई चीज बाहर उगल रहा था। ऑफिसर परवीन ने इस सीन को कैमरे में रिकॉर्ड करने का सोचा और वीडियो बनाना शुरू कर दी। दोस्तों, जब इस सांप ने अपने अंदर से एक प्लास्टिक की बोतल को बाहर निकाला तो इस मंजर को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरतजदा हो गए, और जब ट्विटर पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया तो इसे देखने वालों ने खूब मजम्मत करते हुए प्लास्टिक बोटल्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए आवाज उठाई।
लोगों का कहना था कि जो बोतलें हम यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं उससे वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज्यादा मुतासिर होती है। जंगली जानवर इस प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को खाना समझकर अपने अंदर निगल लेते हैं, जिसकी वजह से बाज़ुकात उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, मगरमच्छों के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये कितने खतरनाक और ताकतवर होते हैं। ये शेर जैसे बहादुर जानवर का मुकाबला करने से भी नहीं डरते और ज़ेब्रा जैसे बड़े जानवरों को भी बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। 30 मई 2016 को ऑस्ट्रेलिया के इलाके क्वींसलैंड में रहने वाली एक 46 साल खातून, जो कि रात के अंधेरे में थॉर्टन बीच पर स्विमिंग के लिए गई थी, वो लापता हो गई। पुलिस को इतला मिलते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। अगले ही दिन उस खातून की लाश खारे पानी के 14 फीट लंबे एक मगरमच्छ के अंदर से मिली, जिसे लोगों पर हमला करने की वजह से मार दिया गया था। ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में मवेशियों का गोश्त खाने की बजाय उन्हें पूजा जाता है, इसीलिए इंडिया में मवेशियों की तादाद काफी ज्यादा है, जो कि दिन भर सड़कों पर फिरते नजर आते हैं। ज्यादातर मवेशी कूड़े के ढेर से गली सड़ी चीजें खाकर अपना पेट भरते हैं। 23 अप्रैल 2018 को इंडिया के शहर पिंपरी के रोड पर लोगों को एक बीमार बैल दिखाई दिया, जो कि तकरीबन 7 साल का था। लोग इसे बीमारी की हालत में देखकर डॉक्टर्स के पास ले गए। डॉक्टर्स ने कुछ दिन मेडिसिन के जरिए इस बैल का इलाज करना चाहा, लेकिन इसकी हालत मजीद बिगड़ते हुए देखकर डॉक्टर्स ने इसकी सर्जरी करने का फैसला किया। 29 अप्रैल 2018 को जब डॉक्टर्स ने इस बैल की सर्जरी की तो इन्हें इसके पेट में से तकरीबन 85 किलोग्राम कचरा मिला, जिसमें प्लास्टिक, ग्लास और स्टील नट्स वगैरह शामिल थे। दोस्तों, सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद इस बैल की सेहत में काफी बेहतरी आने लग गई और ये अपने पैरों पर खड़ा भी होने लग गया। साल 2000 में ऑस्ट्रेलिया की एक फिश फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स अपने मामूल के मुताबिक मछलियों को काट कर पीसीज करने में मसरूफ थे। तभी एक वर्कर ने जब 6 फीट लंबी कोड फिश को काटा तो इसके पेट में से किसी आदमी का सर मिला, जिसे देखते ही सभी वर्कर्स खौफजदा हो गए और उन्होंने फौरन पुलिस को इतला की। पुलिस ने पहले तो इस सब को मजाक में लिया, मगर जब वो इस फैक्ट्री में पहुंचे तो हैरान रह गए। दोस्तों, तहकीक के बाद पता चला कि इस आदमी का नाम माइकल एडवर्ड्स था, जिसकी उम्र 39 साल थी। इस हादसे से एक हफ्ते पहले माइकल अंडरवाटर डाइविंग के लिए गए थे, जिसके चलते कुछ माहिरीन का कहना है कि माइकल को किसी मगरमच्छ ने मारा और फिर इस कोड फिश ने उनका सर अपने अंदर निगल लिया, क्योंकि कोड फिश इतनी खतरनाक नहीं होती। और वहीं कुछ माहिरीन का ये भी कहना था कि ये काम इसी कोड फिश का ही है। दोस्तों, अब हकीकत क्या है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अगर आपने भी अपने घर में कभी कुत्ता पाला है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कुत्ते किसी भी चीज को अपने मुंह में डाल लेते हैं। ऐसे ही सितंबर 2014 को पोर्टलैंड में रहने वाली चेल्सी बॉयड का कुत्ता अचानक से बीमार पड़ गया। इनका कुत्ता ना तो कुछ खा रहा था और मुसलसल वोमिटिंग करते जा रहा था। चेल्सी जब अपने कुत्ते को डॉक्टर के पास लेकर गई तो एक्सरे करने के बाद पता चला कि इस कुत्ते के स्टमक में कुछ है, जिसकी वजह से ये कुछ भी खा नहीं पा रहा। दोस्तों, डॉक्टर्स ने फौरी सर्जरी करने का फैसला किया और सर्जरी के बाद इस कुत्ते के पेट में से डॉक्टर्स को 43.5 सॉक्स मिली। जब चेल्सी को ये सब पता चला तो उनका कहना था कि मैं समझती थी कि शायद मेरी सॉक्स धोते हुए मशीन की साइड पर गिर जाती हैं। इस सर्जरी के बाद चेल्सी का कुत्ता बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में एक बड़े से पाइथन स्नेक को एक मगरमच्छ को अपने अंदर निगलते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड की गई थी और वीडियो रिकॉर्ड करने वाले का कहना था कि इस सांप और मगरमच्छ के दरमियान तकरीबन 5 घंटे की लड़ाई के बाद आखिरकार सांप जीत गया और इसने मगरमच्छ को निगलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी जानवरों के पेट से मिलने वाली अजीबोगरीब चीजें। इनमें से आपको किसने सबसे ज्यादा हैरान किया, नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।